देखिए बकरी को भी नाव पे ही चढ़ा कर लेकर जा रहे हैं ये लोग। यहाँ तक कि ये लोग बकरी चराने के लिए भी जाएंगे तो नाव का सहारा लेंगे, और कोई रास्ता ही नहीं। बोलो सरकार के इंग्लैंड भेज देगा गरीब आदमी सबको, और क्या इंग्लैंड भेज देंगे। हाँ भेज देंगे। ए चाची कहाँ जा रही हैं आप लोग, कहाँ जा रहे हैं? बाजार जा रहे हैं। कैसे जाइएगा? नाव से जाएंगे। नाव से जाइएगा? हाँ। इसमें चढ़ के? हाँ। और कोई रास्ता नहीं है? नहीं, हमेशा नाव पे ही चढ़ के जाती हैं। हाँ जी। बकरी को भी नाव पे ही चढ़ा कर लेकर जा रहे हैं ये लोग। यहाँ तक कि लोग बकरी चराने के लिए भी जाएंगे तो नाव का सहारा लेंगे, और कोई रास्ता ही नहीं है। चाची अभी बाजार जा रही है मार्केटिंग करने, शॉपिंग करने, तो नाव पे सवार हो गई है। बाकी जितने भी लोग हैं सभी लोग नाव पे बैठ गए। आ जाइएगा फिर से आप लोग। यही है इन लोगों का दुर्भाग्य, क्योंकि ये लोग बिहार में पैदा लिए हैं। अफसोस का बात ये है ना कि हमारे बिहार में नीतीश बाबू हैं, और नीतीश बाबू हमारे बिहार का विकास कुछ इस प्रकार किए हैं कि यहाँ तक कि पुल भी नहीं है। पुल तो जाने दीजिए, एक छोटा सा पुलिया भी नहीं है। पुल काहे नहीं बना हमको नहीं पता है। नहीं पता है? नहीं। कितना वर्ष से आप जाते हैं आते हैं ऐसे ही? ऐसे तो हम लोग 10 से 11 साल से बस रहे हैं, तो जा रहे हैं 10 से 11 वर्ष से। जब से शादी हुआ है तब से जाते आते हैं। तब से जाते हैं। कोई रास्ता और नहीं है? नहीं है। यही रास्ता? यही रास्ता। देख लीजिए ऐसे ही बिहार का विकास होता है। और बकरी, क्योंकि देखिए बकरी को भी बेचारी को इस नाव पे सवार होना पड़ता है, और ये सवार होकर घूमने जाती है, टहलने जाती है, और घास खाने के लिए जाती है। ये बकरी का भी दुर्भाग्य है, इंसान का तो दुर्भाग्य है ही, साथ साथ जानवर का भी दुर्भाग्य है कि नहीं? दुर्भाग्य ही है ना, क्या लगता है? हाँ है, बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत है। ऐसे ही जाते आते हैं? हाँ, सब दिन बच्चे भी ऐसे ही पढ़ते हाँ, लिखते होंगे। हाँ, ऐसे ही जाते आते हैं। ऐसे ही जाते आते हैं। क्या कीजिएगा साहब, क्योंकि ये लोग बिहार में पैदा हुए हैं, बिहार में है, इसलिए इन लोगों को ऐसे ही जाना होगा, आना होगा। घास काटने के लिए जा रहे हैं? जरना के लिए। तो जरना के लिए भी जाइएगा तो नाव में सवार होकर ही? क्यों ऐसा क्यों? क्या बोले बोलो सरकार के इंग्लैंड भेज देगा गरीब आदमी सबको, और क्या इंग्लैंड भेज देंगे? हाँ भेज देंगे, और क्या। सरकार तो पुल एगो बनाइए नहीं रही है, तो इंग्लैंड आपको कहाँ से भेजेंगे? कहाँ से भेजेंगे? अब वही लोग व्यवस्था लगाएगा। हाँ। और क्या, वही लोग व्यवस्था लगाएगा। बेचारी बोलवो क्या कर सकती है, गुस्सा से बोल रही है कि सरकार को बोलिए इंग्लैंड भेज देंगे। अफसोस का बात है, काहे कि सरकार एगो पुल बना नहीं रहा है तो इन लोग को इंग्लैंड और पेरिस कहाँ से भेजेगा? नहीं भेज सकता है। बहुत ही दुख लगता है, तकलीफ लगता है। यही हमारा बिहार का विकास है क्या? और बिहार का विकास इस प्रकार हो रहा है कि ये लोग पानी में नाव पे सवार होकर जाते हैं आते हैं। आप क्या करते, यही नाव को चलाते हैं? हाँ। पढ़ते, क्या बोले, थोड़ा सा क्या बोले? पढ़ते लिखते हैं और यहाँ घूमने आते हैं। पढ़ते लिखते हैं और नाव भी चलाते? कोई और सुविधा नहीं है जाने आने का? नहीं, यही है। यही है नाव में सवार होकर। हाँ। देखिए नाव को देखकर पुराना दिन याद आ जाता है, लेकिन ये कोई स्विमिंग पूल नहीं है। इन लोगों का ये दर्द है, तकलीफ है, क्योंकि ये हर दिन ऐसे ही जाते हैं आते हैं, लेकिन सरकार का ध्यान इन पर क्यों आए? सरकार का ध्यान तब आता है इन पर जब चुनाव का टाइम आता है, वोट लेने के लिए इन लोगों के पास पहुँचते हैं क्या? जब वोट लेने के लिए नेता लोग पहुँचते थे, इसी नाव से पहुँचते हैं क्या? नहीं, वो तो अपने रास्ते से कैसे पहुंचते हैं? अब पता नहीं कैसे पहुंचते हैं। ऊपर से एरोप्लेन उड़ के आता है क्या? क्या पता, आते आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं, आते हैं, आते हैं। ये नेता लोग भी आते हैं, लेकिन इसी नाव से आते होंगे, इसी नदी से गुजरते होंगे, लेकिन इन लोगों का दर्द उनको दिखता नहीं है। एक बार भी ये नहीं सोचते हैं कि हमारी जनता कैसे जाती है, कैसे आती है, एक बार भी नहीं सोचते हैं, जिनके कारण इन लोग को हर दिन, आज से नहीं, लगभग 11-12 साल से ये स्थिति बनी है। तो 12 साल से है, बाकी आदमी तो बहुत साल से चल रहा है। जैसे पुराने लोग क्या बोले, बाकी लोग तो कितना फूस कट गया, और क्या। बंद कर दीजिए, आ जाएगा वीडियो, आ जाएगा, आ जाएगा। इतना साल हुआ तो चल रहा है, बाकी आदमी इतना साल से वो भी तो चलते होंगे ऐसे ही सब लोग। गरीब के लिए कुछ नहीं बना है, कुछ नहीं करता है वो तो अपने पेट भरने के चक्कर में।
अपने पेट भरने के चक्कर में लगे हैं और क्या। देखिए यही तो बड़ा अफसोस का बात है कि वो लोग अपने पेट भरने के चक्कर में है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये जनता कह रही है कि वो अपना पेट वो लोग का भरता नहीं है। कौन लोग का? नेता लोग का, जो भ्रष्ट हमारे सिस्टम में बैठे हुए हैं लोग, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उन लोगों का पेट भरता नहीं है। इसलिए तो आज तक पुल नहीं बना है हमारे गाँव में और हर दिन हम ऐसे ही गुजरते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा तो ध्यान दीजिए इस जनता लोग पर, क्योंकि ये लोग लूट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।